आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने जालौन में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से अब दिल्ली से चित्रकूट की दूरी लगभग आधी से कम हो जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण। 296 किलोमीटर के दायरे में फैला है ये एक्सप्रेसवे। निर्माण कार्य में 14,850 करोड़ रुपए हुए खर्च। दिल्ली से चित्रकूट जाने का समय होगा आधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। योगी सरकार का ये मजबूत दावा है कि रिकॉर्ड समय और अनुमानित लागत से कम खर्च में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है। एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के दौरान पीएम मोदी ने कहा, जिस धरती ने अनगिनत शूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को एक्सप्रेसवे का ये उपहार देते हुए मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिल रही है। तो वही सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को हरा भरा बनाने के लिए इसके दोनों किनारों पर 7,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। यूपी के 7 जिलों से गुजरने वाला ये एक्सप्रेसवे आवागमन में सुधार करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सहायक सिद्ध होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 में एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, जिसे फरवरी 2023 में पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोरोना संकट के बावजूद इसे 8 महीने पहले ही पूरा कर लिया गया है। एक्सप्रेसवे के निर्माण से सरकार और इस परियोजना से जुड़े अधिकारियों में उत्साह है। विपक्ष विशेषकर सपा लगातार भाजपा की परियोजनाओं को लेकर हमलावर रही है, तो वही लोगों को उम्मीद है एक्सप्रेसवे बनने से इंडस्ट्रीज भी लगेंगी, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। गौरतलब है कि 296 किलोमीटर के दायरे में फैले एक्सप्रेसवे से दिल्ली से चित्रकूट जाने का समय लगभग आधा हो जाएगा। पहले जहां 12 से 14 घंटे लगते थे, वहीं ये दूरी 6 घंटे में ही पूरी कर ली जाएगी। बताया जाता है कि इस एक्सप्रेसवे की जमीन खरीदने में 2,200 करोड़ रुपए लगे थे और निर्माण कार्य में 14,850 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो उधर एक्सप्रेसवे की दूसरी खासियत ये भी है कि इस पर 15 से ज्यादा फ्लाईओवर, 10 से अधिक बड़े पुल, 250 से अधिक छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा और 4 रेलवे पुल मौजूद हैं। तो उधर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी और है कि 6 महीने तक टोल के लिए लोगों को जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। 7,766 करोड़ से बने एक्सप्रेसवे पर कई जगहों पर टेस्टिंग, पेंटिंग और फ्लाईओवर के कुछ काम अधूरे हैं। इसके चलते कमर्शियल ऑपरेशन डेट (COD) की घोषणा नहीं की गई है। इन कामों के पूरा होने में अभी तक कम से कम 6 महीने का समय और लग जाएगा। इसके बाद COD आएगी, तब कहीं जाकर टोल टैक्स लगने की शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।